हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है एक नया दिन और आपका स्वागत है इस नए दिन पे। और अभी मैं अपने किचन में आ गई हूँ, लगभग 12 बजने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं यहाँ पे ओट्स को ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट में मोस्टली ओट्स खाते हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट ईजी और जल्दी बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप ओट्स को पहले से उनको रोस्ट करके रख लो, तो फिर जो सुबह इतना टाइम कंज्यूम होता है उनको बनाने में, उनको गरम भूनने में, वो टाइम बच जाता है। स्पेशली मेरे हस्बैंड तो वो अर्ली जाते हैं अपने काम पे, और वो तो रेगुलर ही ओट्स लेके जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, काम पे लेके जाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले मैं ओट्स भूनूंगी और उसके बाद मेरे पास दलिया पड़ा है, उसको भी मैं ड्राई रोस्ट करके रख लूंगी। आज ना टेम्परेचर 23-24 के करीब है और फील्स लाइक 26 के करीब जाएगा, तो इसलिए इतनी गर्मी हो रखी है ना। और हमने चलाया हुआ है एसी, नॉर्मली एसी रेयरली चलता है यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने शायद चलाया ही नहीं था एसी, और इस बार अब लास्ट वीक से एसी लगातार चल रहा है डेली, क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है। और मैं दिखाती हूँ कि अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे ना कपड़े जोड़ने आई हूँ, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे हस्बैंड के, तो जल्दी से इनको जोड़ लेती हूँ। जब ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं ना, तो ऐसे फील होता है काफी गंद पड़ा हुआ है घर में। और अब मुझे ना जाके एक सब्जी भी बनानी है दोपहर के खाने के लिए, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जुकीनी बना लूँ। मेरे पास ना येलो जुकीनी पड़ी है, मुझे ना जो ग्रीन जुकीनी होती है ना वो नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी, वो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी हार्ड है। जो येलो जुकीनी होती है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो मैं येलो जुकीनी लेके आई हूँ। और वो ना थोड़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्वान्टिटी में मेरे पास आज, तो मैं सोच रही हूँ ना उसमें थोड़ी सी जो मूँग दाल होती है ना येलो वाली, वो डाल के बना लूँ। और पहले कभी मैंने बनाई नहीं है, उससे मुझे लगता है वो टेस्टी भी बनेगी और थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा बन जाएगी, तो थोड़ी चल जाएगी कल तक। बट आपने अगर कभी बनानी हो ना जुकीनी ऐसे, तो उसमें चना दाल डाल के बनाना, जैसे लौकी चना दाल बनती है वैसे, वो टेस्टी बनती है। लौकी चना दाल के साथ काफ़ी अच्छी बनती है, तो वो भी, तो जुकीनी भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बनेगी। तो मेरा क्या है ना, मैं किसी भी चीज़ में चना दाल डाल नहीं सकती, क्योंकि ना मुझे मना किया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है, हम आजकल जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना उसको दिखा रहे हैं, लास्ट वीक से ही हमने शुरू किया है, तो उसने काफ़ी सारी मेरी चीज़ें बंद कर रखी हैं, तो उसमें से एक चना दाल भी है जो बंद है, और भी काफ़ी सब्जियां जो उसने लिस्ट मुझे प्रोवाइड की हुई है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो उसमें से एक तो उसने मुझे बताया हुआ कि आप जुकीनी खा सकते हो, इसीलिए मैं जुकीनी बना रही हूँ। बात क्या है, हम गए थे इंडिया, वहाँ पर जाके ना हमें फूड पॉइजनिंग होगी सारों को। जब हम यहाँ आए तो हमें डिटेक्ट हुई फूड पॉइजनिंग, तो सारों को, हम तीनों को ये फूड पॉइजनिंग हो रखी थी, मगर वो इलाज तो हो गया, फिर भी उसके बाद भी ना अभी तक हमारे साथ कुछ ना कुछ इश्यूज चलते जा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा कुछ भी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी है, क्या ऐसा बीच में रह गया है, क्या पकड़ा ही नहीं जा रहा। हमने एलोपैथी की दवाइयाँ भी हम काफ़ी टाइम से उसके लिए ले रहे हैं, मगर एलोपैथी भी कुछ नहीं पकड़ पा रही। तो फाइनली हमने अभी डॉक्टर चेंज किया है, आयुर्वेदिक डॉक्टर पे आए हैं, मे भी उससे ठीक हो जाए।
तो काफ़ी सारी इसीलिए मैं चीज़ें नहीं खा सकती, और मेरे हस्बैंड को भी कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड को प्रिस्क्राइब हैं वो खा सकते हैं और कुछ मैं नहीं खा सकती, तो बड़ा मुश्किल सा हो रखा है कि क्या चीज़ बनाएं। तो बहुत कम चीज़ है जो उनको भी खा सकते हैं और मैं भी खा सकती हूँ, तो दोनों मिलके खा सकते हैं। वैसे उनको काफ़ी कुछ अलाउड है खाने के लिए, मेरे को तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अलाउड ही नहीं है। और सब्जी बनाने से पहले मुझे ना एक और काम करना है। कल हम जब घूमने गए थे ना शाम को बीच पे, तो वहाँ से आके हमने बीच से आके ना कपड़े उतार के सारे वॉशिंग मशीन में सबने अपने अपने डाल दिए थे, मगर मैंने रात को वॉशिंग मशीन चलाई नहीं, तो अभी मुझे वो वॉशिंग मशीन भी चलानी है। मतलब वो कपड़े अभी धोने को पड़े हैं, कल के जो बाहर पहन के गए थे वो भी धोने हैं। तो जल्दी से ये कपड़े समेट के मैं ना वॉशिंग मशीन का पहले काम करूँगी और फिर हम बनाएंगे सब्जी। यहाँ पे ना खीर बन रही है और खीर बना रहे हैं प्रदीप। तो अभी अभी मैंने आपको बोला था ना कि मैं जुकीनी की सब्जी बनाती हूँ, तो वो मुझे अभी कैंसिल करनी पड़ रही है। क्यों कैंसिल करनी पड़ रही है उसका रीजन अभी आपको प्रदीप बताएंगे। तो मैं हिला दी हूँ, तुसी रुक सो मेरे खड़े। अभी अभी एक मेरे फ्रेंड ने भी मुझे एक न्यूज फॉरवर्ड की है कि जो रेड अनियंस हैं जो स्पेशली यूएस से आए हैं उनको खाने से लोगों में सेमोलिना इन्फेक्शन हो रही है, वो जो एक तरह की फूड पॉइजनिंग है, तो उसकी वजह से डायरिया और काफ़ी गैस्ट्रो मतलब रिलेटेड मतलब डिजीजेज उससे होती हैं। तो उसे वो हमें एडवाइस कर रहे हैं कि जो भी यूएस से मतलब इंपोर्ट किए गए हैं अनियंस उनको हम थ्रो मतलब जैसे उनको हम गेर दें, और उसको मतलब जैसे जहाँ भी रखी हैं उसको भी प्रॉपरली उसको सैनिटाइज करके उस जगह को और फिर प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करें। तो उसमें सेमोलिना इन्फेक्शन में होता भी ऐसे है कि मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रेवल करती है तो कंटेजियस होती है। तो और ये भी एडवाइस करते हैं अगर किसी को है तो वो दूसरे किसी के लिए भी वो कुक नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल खाना कुक ना करे और हाथ धोते रहे अपना, मतलब स्पेशली जब वॉशरूम जाते हैं तो उसके बाद प्रॉपरली आपके हाथ क्लीन होने चाहिए। जैसे हम जैसे दो साल पहले एक बार जब इंडिया से भी आए थे तो जैसे वो टाइफाइड उस टाइम डिटेक्ट हुआ था, जो टाइफाइड होता है वो भी एक तरह की सेमोलिना इन्फेक्शन है। पर यहाँ लोग मतलब उसको टाइफाइड नहीं बोलते, मतलब वैसे भी टाइफाइड और सेमोलिना में थोड़ा सा फर्क तो है। नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है। नहीं, वो टाइफाइड मतलब ये मुझे ज्यादा है, डॉक्टर ने इसको बताया भी था कि हम जैसे कनाडा में टाइफाइड जो बैक्टीरिया वो जहाँ नहीं मिलता उसकी वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके तो एंटीबायोटिक्स भी उन्होंने काफी ज्यादा दी थी ताकि आगे मतलब जैसे वो स्प्रेड ना हो सके। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारी तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है, हम इंडिया गए थे हमें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और अभी बाय चांस ही है कि प्रदीप ने वो न्यूज़ देखी है कि उसमें बताया कि सेमोलिना फैल रही है। वो सेमोलिना ही हुई थी मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे डिटेक्ट सेमोलिना ही की थी, टाइफी टू कुछ ऐसे करके था जो मेरा इन्फेक्शन था, सेमोलिना से ही होता है वो। तो अचानक अभी न्यूज़ देखी और मैं अभी सोच रही थी कि सब्जी बनाते हैं, और तो हमारे पास जो बैग है ना अनियंस का, रेड अनियंस का बैग ही है, वो भी यूएसए से ही आया हुआ है, तो इसीलिए अब मैंने कैंसिल कर दिया सब्जी बनाने का। तो उसकी जगह खिचड़ी बना लूंगी, क्योंकि खिचड़ी में अनियन नहीं डलेंगे, तो खिचड़ी बना के खा लेंगे और ये फेंकने पड़ेंगे अनियंस। ओके, और यहाँ तक जो स्टोर्स में पड़े हैं वो रोल बैक उन्होंने लगा कर दिए हैं, वो तो शायद पता नहीं, रिकॉल सॉरी रिकॉल कर दिए, रोल बैक नहीं, वो तो अभी देखो रिकॉल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप भी कनाडा में रहते हो और आपके पास यूएसए से रेड अनियंस आए हुए हैं तो प्लीज थ्रो इट इन द गार्बेज कि आपको ये इन्फेक्शन ना हो, बड़ा गंदा इन्फेक्शन है ये, अच्छी ना आपकी जान निकाल देता है।
क्योंकि मुझे हम तीनों को ही हुआ था टाइफाइड, और जब से हमारी तबीयत, मैंने अभी थोड़ी देर बाय चांस ही है कि वो ही बात की थी कि वो अभी तक हमारा प्रॉपर गया नहीं है इतना इलाज कराने के बाद भी, तो प्लीज तो वो मत कीजिएगा। और यहाँ पे खीर बन रही है तो इसमें अभी बस दूध डाला हुआ है, अब मैं चावल डाल देती हूँ। चलो तुझे खिलाओ, मैं चावल। तो यहाँ पे खीर हमारी बन गई है और अब मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, इसको यहाँ से हटा रही हूँ। ये पपीता ना कल पपाया। पपीता और पपाया सेम होता है, तो ये पपीता कल हम लेके गए थे बीच पे और हमने खाया नहीं। दो फ्रूट्स लेके गए थे काट के, एक वाटरमेलन और एक ये पपीता। That watermelon is all eaten. Yeah, वाटरमेलन इन दोनों ने खा लिया, प्रदीप और अर्जुन ने। मैं वाटरमेलन खा नहीं सकती, तो अब ये पपीता बचा हुआ है ये हम खाने लगे हैं। ये प्रदीप नहीं खा सकते पपीता, तो ये मैं और अर्जुन खाएंगे। ये मीठा बहुत है, कल हमने ट्राई किया था, तो कल हमने कुछ भी खास खाया नहीं। वहाँ पे राइस लेके गए थे, बस वो राइस खा लिए थे, मगर राइस टेस्टी बने हुए थे, तो बनाऊंगी। Also, this is mommy's laptop. I don't know what are you going to do, mommy. अभी थोड़ा सा काम करने लगी हूँ लैपटॉप पे, तो सोचा कि ये फ्रूट्स भी खत्म कर दूं। वैसे भी ये कल के कटे हुए हैं और खिचड़ी अभी रखी हुई है गैस पे, वो भी बन जाएगी थोड़ी देर तक, तो फिर खाना खाएंगे। चलिए बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। खिचड़ी रेडी हो गई है, तो खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है, हम खाने लगे हैं ये खिचड़ी। और इसी टाइम पे मैं आपको बाय कहती हूँ, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।